वेलकम टू नई सुबह कहानी घर। नई सुबह टेल्स नरेटेड बाय निस्मा आलम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह कहानी घर में खुशामदीद। मैं हूँ निस्मा आलम और आज हम सुनेंगे कहानी बादशाह का वहम। प्यारे दोस्तों, एक दफा की बात है, एक बादशाह हमेशा ख्याली पुलाव बनाया करता था और हर वक्त अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दूसरों को नुकसान भी पहुंचा दिया करता था। एक दिन बादशाह ने ख्वाब में देखा कि एक जल परी है जो दरिया में रहती है, जिसका सर परी की तरह और धर मछली नुमा है, और उसको वो मछली बहुत खूबसूरत लगी। उसने कहा, मैं इस जल परी को तो हासिल करके रहूंगा। दूसरे दिन उसने अपने दरबार में ऐलान किया कि मुझे ये जल परी हर सूरत चाहिए और वो जल परी इस दरिया में है। इत्तेफाक की बात यह है कि उस दरिया से तमाम बाशिंदे पानी पिया करते थे, और अगर उस दरिया को खुश्क कर दिया जाता तो सारे लोग जिंदा नहीं रह पाते। इसीलिए वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, आप अपने फैसले पर गौर करें। बादशाह ने कहा, नहीं, मुझे वो जलपरी हर हाल में चाहिए। एक दिन जब बादशाह सैर पर गए तो बहुत देर से आए। वजीर से कहा, मैं तो कश्ती लेकर दरिया की सैर को गया था कि शायद मुझे वो जलपरी मिल जाए, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि दरिया का सारा पानी सुखाकर मैं उस मछली को लाजमी हासिल करके रहूंगा। वजीर ने परेशान होकर अपने एक जादूगर दोस्त से मशवरा किया। उस जादूगर ने कहा कि मैं आपको ये बोतल देता हूँ, इसमें एक शीशा है। जब वो इस शीशे को देखेंगे तो उनको धुआं महसूस होगा। वजीर ने बादशाह को वो बोतल दिखाई। बादशाह ने जैसे ही बोतल में झांका तो उनको धुआं नजर आया, और जब बोतल खोली तो उसमें वो धुआं गायब था। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपका ख्याल था, और जरूरी नहीं जो कुछ ख्याल में आए वो सच भी हो। इसीलिए बच्चों, हमें हर ख्याल को हकीकत में तब्दील करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नई सुबह कहानी घर में इतना ही। मिलते हैं एक मजेदार नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।